हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब? आशा करती हूँ आप सब ठीक होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। आप सभी का फिर से स्वागत है एक नई वीडियो में। और आज की वीडियो में मैंने यहाँ पे एक पुराने दुपट्टे का पायदान बनाया हुआ है। आप उसको पैरों के नीचे भी रख सकते हैं, अगर कहीं पर बैठते हैं तो उसमें बैठ भी सकते हैं, और पूजा करते समय आप मंदिर में भी उसको रख कर बैठ सकते हैं। तो इसमें ज़्यादा टाइम नहीं लगा। तो यहाँ पर जो भी पुराने दुपट्टे हैं मैं उनको यहाँ पर ला गई हूँ, क्योंकि सूट तो हम लोग यूज कर लेते हैं लेकिन दुपट्टे हमारे ऐसे ही रह जाते हैं, किसी का कलर निकल जाता है और काम में नहीं आते हैं, तो ये इधर उधर पड़े होते हैं। तो मैंने सोचा क्यों ना ये दुपट्टे का मैं यहाँ पे पायदान बना रही हूँ। तो इससे पहले मैंने दो बनाए हुए हैं, उसका वीडियो नहीं बनाया, लेकिन आज मैंने सोचा इसका वीडियो बना के मैं आप लोगों के साथ भी शेयर कर लेती हूँ, क्योंकि दुपट्टे तो हर किसी के पास होते हैं। ये देखो, मैंने जो दुपट्टे हैं उसके दो दो इंच की पट्टी काट कर यहाँ पर रख लिया है सब इस तरीके से। और इसको मैं जो जैसे हम चोटी बनाते हैं उस तरीके से यहाँ पे इसको बनाऊंगी, यहाँ पे इनको गांठ लगा दूंगी एक। और गांठ लगाने के बाद इसको या तो आप किसी खोटी में लगाकर चोटी बाने या अपने अंगूठे में, तो मैंने अंगूठे पर ही इसको लगा कर इस तरीके से चोटी बना ली है। और ज़्यादा पतला नहीं करें, पतला करेंगे तो ये पतला हो जाएगा, तो जितना मोटा मोटा हो उतना ही अच्छा है, क्योंकि ठंडी के दिन हैं, गर्मी में तो उतना ज़रूरत नहीं होती है। और ठंडी में हम शौक से पहनते हैं, किचन में खाना बनाते हैं, किचन में पानी भी गिरा होता है कहीं पे तो शौक से भीग जाते हैं, तो इसलिए जहाँ पे हम खाना बनाते हैं खड़े होते हैं वहाँ पर हम इसको वहाँ पर रख के खाना बना सकते हैं खड़े होकर, और जूते चप्पल पहन कर हम किचन पर नहीं जा सकते हैं। तो देखो, मैंने सभी पट्टियों की चोटी बना दी है। मैं कोशिश कर रही थी पहले पिन ये आर पिन से बनाने की, लेकिन आर पिन से नहीं हुआ, तो मैं यहाँ पे सुई धागे को यूज कर रही हूँ। सुई से मैं यहाँ पे सिल लूँगी पहले। मुझे तो अच्छा लगा ये, क्योंकि जो हमारे दुपट्टे पड़े हुए हैं और पुराने दुपट्टे किसी को दे तो अच्छा भी नहीं लगता है, ऐसे ही पड़े होते हैं, तो क्यों ना कुछ दिन ये ठंडियों में मेरे काम आ जाएगा। तो मैंने दो तीन पहले भी बनाए हुए हैं, जहाँ पर ज़रूरत होती है मैं वहाँ पर रख लेती हूँ इनको। और हम इसके ऊपर बैठकर मंदिर में पूजा भी कर सकते हैं, कोई ये गंदे उंदे भी नहीं हैं, दुपट्टे बिल्कुल साफ हैं। और किसी किसी दुपट्टे का ये देखो कलर भी निकल गया है, लेकिन जोर जट के हैं ये, फटे नहीं हैं, अच्छे हैं। तो होने को तो जिनके पास पैसे हैं, एक से एक आजकल नए नए अच्छे अच्छे महंगे महंगे पायदान आ गए हैं, लेकिन ज़रूरी नहीं है कि हर कोई पैसे वाले ही होते हैं। तो मैं तो अपनी बात बोलूँ, मुझे तो ये फेंकने में दुपट्टे अच्छा नहीं लगता है, तो मैं इसे बनाकर रख लेती हूँ, और कुछ दिन काम आ जाता है, उसके बाद अगर फेंकना भी पड़ गया तो कोई उतना मलाल नहीं लगता है मुझे। तो मैंने ऐसे बना लिया है, बिल्कुल आसान तरीका है। और ये मैं धूप में बना रही हूँ, जिसमें मुझे टाइम होता है, मैं धूप में बैठती हूँ तो उस समय ही मैं ये बना लेती हूँ फ्री टाइम पर, इसलिए कहीं पर अंधेरा, कहीं पर जो अंधेरा कलर है वहाँ पर अंदर में बनाया है, और जो इस तरीके का दिख रहा है वो मैंने धूप में बनाया है। तो दो दिन में मैंने इसको बना लिया था। आप भी ज़रूर ट्राई करें, अगर आपको अच्छा लगे तो, कुछ लोग तो मजाक भी करेंगे, लेकिन मुझे ये अच्छा लगा तो मैंने आप लोगों के साथ शेयर कर लिया है। ऐसा नहीं है कि मैं मार्केट से नहीं लाती हूँ, मार्केट से भी लाती हूँ, लेकिन ये भी मुझे चाहिए, मुझे ज़्यादा ज़रूरत है इन चीज़ की, तो मैंने बना के रख लिया है। अगर आप वीडियो में पहली बार हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर करें। आप लोगों को वीडियो कैसी लगी कमेंट ज़रूर करें। स्वस्थ रहें, मस्त रहें, अपना ध्यान रखें, और आप लोग अपना कीमती समय मेरी वीडियो देखने के लिए देते हैं, उसके लिए आप सभी का दिल से धन्यवाद करती हूं। और आशा करती हूं कि आप लोगों को मेरी वीडियो अच्छी लगी होगी। आप सभी का दिल से धन्यवाद एंड थैंक यू।